तो गाइस आज दिन हमारी किस्मत खराब है, इस टाइम बज चुके हैं 9:30 और यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको देती हूँ एक टू अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। आप लोग सोचोगे इसने एक कुफारा वाला ब्लॉग क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने उसमें बोला था मैं दूसरे दिन डालूंगी, बट क्या हुआ ना कि उसमें वो शूट ही नहीं हो पाया। फिर उसमें क्योंकि मतलब फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी एंड ऑल दैट वही वगैरह, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग। तो वहाँ से मैं वापस आ चुकी हूँ काफ़ी दिन पहले ही, उसी दिन हम वापस आ चुके थे। एंड आज मेरा मैंने व्लॉग से शूट करूँ क्योंकि मुझे आज जाना है मुक्तम साहब के यहाँ, अस्थान पे जाना है मुझे, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ। इसलिए अब मैं जा रही हूँ वहीं, क्योंकि पास होने की खुशी में मैंने सोचा मैं थोड़ी सी मतलब ना टॉफीज़ वगैरह वहाँ पर बांटूँ, और इसलिए मैं जा रही हूँ वहाँ। जाते जाते अगर आप मेरे कमरे का हाल देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, तो दिखाती हूँ मैं। देख लो मेरे कमरे का हाल, मैंने क्या किया हुआ है। अब मुझे वहाँ से आके ठीक करना पड़ेगा। इसी के साथ आज बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब जब ठंड थी ना कुछ दिन पहले इंसान बोलता था धूप कब होगी, और जब आप धूप है ना इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या बोले, इंसान काला पड़ जाएगा अगर ऐसी धूप रही। जब मैं बाहर नहीं थी तो यहाँ पे ये देखने को मिला है, हमारे लिए मैंने डाला है, इधर से डाला है, इधर से डाला ही नहीं है। लास्ट में याद पड़ा कि हमें रिंग बनानी है, तो इसलिए हम आज के शॉप पे रिंग बनाने के लिए, तो उसके बाद हम जाएंगे ये बनाना है। तो यहाँ पे मैंने भी बनवाई है अपनी। गाइस अभी कल के बाद हम डायरेक्ट जा रहे हैं वहाँ, और मेरा मूड खराब हो चुका है, क्यों हो चुका है मैं बाद बोलूँगी। तो गाइस फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं, और मैं पहले अंदर जाऊँगी, नमाज वमाज पढ़ूँगी, उसके बाद बात निकलूँगी, तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। अगर मुझे लगा अंदर मैं शूट कर सकती हूँ तो करूँगी, वैसे मुझे नहीं लगता अंदर शूट कर पाऊँगी, अगर लगा तो करूँगी। तो गाइस अभी मुझे और सीढ़ियाँ चढ़नी है और मैं थक चुकी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। गाइस मिठाई उठाई मैंने बांट ली, आप मैं यहाँ से नजर आई देखने आई थी पंडोला का। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और मुझे यहाँ पे किसी ने बोला पानी लाओ, फिर मैं पानी लाने गई थी, फिर वहाँ से पानी लाने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ पे फाइनली। और जहाँ तक मुझे पता आप लोगों को डेली व्लॉगिंग देखने को मिलेगी अब जल्दी, बिकॉज हमें मेहमान आ रहे हैं जम्मू से, तो पापा के फ्रेंड वाले वो सब आ रहे हैं, तो शायद 2-3 फैमिलीज आ रही है, पहले एक फैमिली आएगी उसके बाद वो जाएगी फिर दूसरी आएगी, तो फिलहाल डेली व्लॉगिंग 9 मंथ से शायद से होगी, अभी बुरा नहीं पता है बट होगी। अब हम आइसक्रीम खाने, तो गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब आइसक्रीम वाइसक्रीम तो हो गई है, और हम शायद घर जाएंगे सीधा पूरों के मार के जाएंगे, बट वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, तो शाम को देखते हैं अगर गए। गाइस फाइनली पहुँच गई मैं घर, और मेरा सर चकरा रहा है, इतनी थक गई धूप बहुत ही ज़्यादा। वेलकम बैक टू द चैनल, अब आप सब अच्छे से खैरियत से, और फिलहाल मुझे जल्दी है, फिलहाल मैं अब जा रही हूँ डायरेक्ट पोलो भी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बनाने का सोच रही थी, और मुझे नाइट व्यू भी वहाँ का शूट करना था, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। और दरवाज़ा खोलो। तो गाइस गाड़ी वहाँ चढ़ चुकी है, और हम पहले अब डायरेक्ट जाते हैं क्योंकि मेरी हालत ख़राब हुई, मैं जल्दी गाड़ी होना पड़ा है, अब जो मुझे मिला मैंने मिला है, मैं जाती हूँ। What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we. तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पोलो व्यू, और हाय और जो हमारे ड्राइवर थे वो भाग चुके हैं, आज हम हो गया। तो अब हम पहुंच गए, और आपको पता है इस टाइम पे 29 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब हमें गाड़ी में ना एसी ऑन करना पड़ा, शीशे नीचे हम रख ही नहीं पाए। चलो यार चलते हैं। इस फाइनली हम पहुंच गए हमारे पोलो व्यू, एंड काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी यहाँ आने का, पर मेरा कुछ प्लान बन नहीं रहा था, लेकिन फाइनली अच्छा ही बना है लेकिन। और मम्मा भी हमारे साथ है, वो तो मैं बोलना भूल ही गई थी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाय, क्या ख्याल है, कैसा लगा आपको पोलो व्यू मार्केट हमारा? जैसा था बस लाइटें लगाई हुई है, लेकिन अच्छा लग रहा है ऐसे तो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अलग वाइब आ रही है इस टाइम पे। यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको देती हूँ एक टूर, उसके बाद हम तो
गाइज अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और हम जाते हैं कहीं और. अब हमारा प्लान है कहीं और जाने का, बिकॉज यहाँ पे अब क्या ही करें, कुछ है नहीं यहाँ पैसा करने को, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं. लेकिन है तो अच्छी जगह, मतलब इस टाइम पे, मतलब अगर कोई रात को, तो मुझे लगता है अच्छी जगह है रात के, मतलब टाइम बैठने के लिए वगैरह अगर कोई चाहेगा यहाँ पे, तो माहौल अच्छा है लाइक वैसे. बट दिन में मुझे नहीं लगता मैं यहाँ आऊँगी कभी, जो दिन में ऐसे ना, मतलब धूप में यहाँ पर जलने का कोई शौक नहीं है. आप फिलहाल चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे आगे. गाइज आप पोलो वेस्टर्न डायरेक्ट आ चुके हैं सिटी वॉक मॉल. अब हम यहीं जाते हैं पहले. अब देखते हैं अंदर अगर कुछ लगा खाने के लिए तो जाएंगे और कुछ खाएंगे, पेट पूजा भी ज़रूरी है, तो चलते हैं. हम इधर से जाएंगे लेफ्ट साइड से. तो गाइज जो हमारी किस्मत ख़राब है, इस टाइम बच चुके हैं 9:30 और यहाँ पे ऊपर KFC वगैरह जो और जहाँ पे वो गेम स्टोर वगैरह जो भी था वो बंद हो चुका है, इसलिए अब हम आएंगे कभी और जाते हैं कभी और. तो गाइज अभी अचानक से ही मिल गया था मिल गए थे दूसरे ब्लॉगर्स हमें, तो जो इन्फाम को जिन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, एंड इन्फाम ने क्या कहा वो आप देख लेना. तो गाइज यहाँ पे हम रुक चुके हैं आइसक्रीम के लिए और हम डायरेक्ट घर ही जा रहे हैं बिकॉज अब लेट हो गया, तो हम सोचा कि वो अगले ब्लॉग में मैं इंशाल्लाह सिटी मॉल गए वो बंद था अंदर, और सिटी वॉक मॉल जो था ना, मतलब मैंने पहले कहा कि ऊपर मतलब अंदर मतलब ना ऊपर KFC वाला सिस्टम तो सारा बंद था, तो कुछ खा नहीं पाए, तो हमारा मन था KFC खाने का. अब फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं आइसी बाइट्स के पास सॉफ्टी लाने के लिए, जब लाएंगे तो दिखाएंगे. ऐसे क्या आपको करना है देखे, पर दिखाऊंगी ज़रूर मैं. तो गाइस आ चुके हैं आइसक्रीम लेके, बहुत प्यारी दिख रही है ऐसे, तो आप खा के मेरे को पता चलेगा कितनी अच्छी है. तो गाइस एज यूजुअल मैं आज व्लॉग जो अपना एंड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि अगर आप में से इसका भी 12th क्वालिफाई हुआ है, मतलब अगर उसके बाद कोई इंटरेस्ट है पायलट बनने में, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इंस्टाग्राम पेज की, तो वो इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप उनसे इस रिगार्डिंग मतलब पूछ सकते हैं. तो फिर मैं आपको देती हूँ अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. तो आज के लिए था इतना ही, बाय बाय. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people